हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम टू इकोसो स्टूडेंट्स किसी भी इकोनॉमिक की ग्रोथ के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं तो ग्रोथ हमें पता चलती है नेशनल इनकम से जैसे देखो ना अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की इनकम इंक्रीज होती है तो हम लोग बोलते रहे हमारी ग्रोथ हो रही है राइट right? तो सेम वे किसी भी कंट्री की ग्रोथ कैसे होती है जब उसका नेशनल इनकम बढ़ता है पर अब सवाल ये आता है कि ये नेशनल इनकम क्या होता है वो कैसे मेजर करते हैं जनरली जैसे आप पेरेंट्स देखो ना आपके पेरेंट्स को हर मंथ सैलरी मिलती है वैसे नेशनल इनकम मतलब कि हमारी कंट्री को कोई सैलरी देता है यानी कि इंडिया को वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ सैलरी देती है बिल्कुल नहीं नेशनल इनकम की कंसेप्ट थोड़ी सी अलग है हमारे प्राइवेट इनकम से क्योंकि हम लोग कहाँ पर काम करते तो सैलरी मिलना ऑब्वियसली वो पर मंथ मिलेगी किसी को डेली बेसिस पे वेज मिलते हैं बट किसी भी कंट्री के लिए ये लागू नहीं होता है क्योंकि कंट्री का जो नेशनल इनकम होता है वो उस कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसके बेसिस पे मेजर किया जाता है तो जनरली हम लोग न्यूज़पेपर में वगैरह जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं कि जीडीपी इंक्रीज हुआ जीडीपी डिक्रीज हुआ ऐसे पर नेशनल इनकम के बहुत सारे कंसेप्ट में से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट इसके अलावा जी है पर्सनल इनकम है जी एन है ऐसे बहुत सारे अलग अलग नेशनल इनकम के कंसेप्ट है और हर एक कंसेप्ट का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है तो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेशनल इनकम की ये अलग अलग कंसेप्ट इन डिटेल स्टडी करेंगे नेशनल इनकम के सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझने के लिए ऑब्वियसली आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स जनरली किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम के बारे में जो कंसेप्ट हम लोग सबसे ज्यादा बार सुनते हैं वो है जीडीपी जैसे कि इंडिया का जीडीपी बढ़ा है या फिर घटा है या फिर आने वाले समय में इंडिया का जीडीपी क्या रेट से इंक्रीज होगा ऐसे अलग अलग डेटा हम लोग देखते हैं क्योंकि कंट्रीज़ की ग्रोथ के कंपेरिजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जी डी इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम देखो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही मनी वैल्यू लेते हैं नौ क्यों या फिर ये फ़ाइनल गुड्स क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते मोबाइल फ़ोन की बैटरी अलग होती है उसके अलग अलग मेमोरी कार्ड अलग है कैमरा अलग है सब चीज़ें अलग अलग होती है वो असेंबल करके मोबाइल बनता है तो हम लोग मोबाइल मार्केट में परचेस करते हैं ना कि हम लोग सेपरेटली उसकी बैटरी उसके स्पेयर पार्ट परचेस करते हैं जो फाइनल मोबाइल जो गुड हम लोग मार्केट में एक्चुअली परचेस करके उसका यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फाइनल गुड ना वाई फाइनल गुड वाई नॉट इंटरमीजियरी गुड फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हमें पता है कि कॉटन से क्या बनता है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉटन कॉटन से थ्रेड बनता है इसी थ्रेड का यूज़ करके कपड़ा यानी कि क्लोथ बनता है फैक्ट्री में यही क्लोथ का यूज़ करके फिर हम लोग फाइनल ड्रेस टी शर्ट या फिर ड्रेस मार्केट में परचेस करते तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टी शर्ट तो टी शर्ट अगर हम लोग मार्केट में परचेस करते हैं तो इसकी प्राइस में ऑलरेडी कॉटन थ्रेड क्लोथ इस सब की प्राइस इन्क्लूड है क्योंकि सपोज कॉटन है ट्वेंटी रुपीज़ का उसका थ्रेड बना उसकी वैल्यू हो गई थर्टी उस थ्रेड से क्लोथ बना उसकी हो गई प्राइस फिफ्टी और वो क्लोथ का यूज करके टी शर्ट बना तो प्राइस हो गई हंड्रेड मतलब इस हंड्रेड रुपीज़ में ऑलरेडी क्लोथ थ्रेड कॉटन इन सब की प्राइस इंक्लूड है अगर हम लोग ये अलग से हर एक स्टेज में मेजर करेंगे तो नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा दिखेगा जितना कि वो है नहीं और ये ओवर एस्टिमेशन अवॉइड करने के लिए हमेशा कैलकुलेशन में हम लोग फाइनल गुड्स ही इंक्लूड करते हैं कोई भी कमोडिटी लो फर्नीचर है तो फाइनल जो मार्केट में हम लोग परचेस करते हैं वो फर्नीचर कंसीडर होगा इवन हम लोग अगर पिज़्ज़ा परचेस करते तो पिज़्ज़ा में ऑलरेडी व्हीट फ्लोर आपका इंक्लूड है चीज़ इंक्लूड है तो वो सेपरेटली नहीं कंसीडर होता फाइनल पिज़्ज़ा के प्राइस ही उसमें इंक्लूड होगी सो फाइनल गुड्स के प्राइस जो गुड्स की विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग ने प्रोड्यूस की है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री जैसे कि हमारे इंडिया की बॉर्डर है के इस बॉर्डर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका ही इंक्लूजन होता है देखो हम लोग ने बॉर्डर कंसिडर किए सिटीजनशिप नहीं यानी कि कोई फॉरेन कंपनी या फिर कोई फॉरेन वर्कर इंडिया में आके काम कर रहा है तो वो जो भी काम करेगा और यहाँ के जो भी गुड्स और सर्विस वो प्रोड्यूस करेगा वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होगी यानी कि वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा हाँ इसके अगेंस्ट अगर कोई इंडियन है जो बाहर जाके काम कर रहा है तो वो बाहर की कंट्री में काम कर रहा है वो इंडिया की जमीन के ऊपर काम नहीं कर रहा है तो उसके काम का जो भी मतलब गुड्स होगी सर्विस होगी जो भी प्रोडक्शन होगा उसका इंक्लूजन उस कंट्री में उस कंट्री की जीडीपी में होगा हमारे जीडीपी में नहीं होगा देन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानि कि इकोनॉमिक ईयर क्योंकि इकोनॉमिक्स के कैलकुलेशन के लिए हम लोग हमेशा इकोनॉमिक ईयर देखते हैं जो कि फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होकर थर्टी फर्स्ट मार्च को ख़त्म होता है तो ये पीरियड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस होती है वो हमारे जी डी पी में इंक्लूड होगी हाँ पर एक और बात और जो हम लोग ने डोमेस्टिक टेरिटरी कही है वो सिर्फ जोग्राफिकल बॉर्डर के अंदर नहीं होती इसके अलावा भी उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग पॉलिटिकल फ्रंटियर्स कंसिडर करते हैं अभी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब क्या कि फॉर uh, एग्ज़ाम्पल हमारे कंट्री अगर इंडिया को हम लोग देखते तो साउथ की तरफ देखो तीनों साइड से हम लोग देखते हैं कि समंदर है तो ये पूरे ओशियन का जो पार्ट है वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा वहाँ पे हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर बा, सेट होती है तो इस पॉलिटिकल बॉर्डर में कोई भी शिप है या फिर कोई फिशिंग वेसल है जैसे कि हमारे फिशरमैन गए और वहाँ पे वो फिशिंग करके आए तो उन्होंने फिशिंग में जो भी प्रोडक्शन किया है या फिर शिप ने जो भी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड किए उस सब का इंक्लूजन इंडिया के जीडीपी में होगा सेम टाइम में कोई एयरक्राफ्ट है वो इंडिया से दूसरी कंट्री में जा रहा है देखो वो इंडिया से जा रहा है उसका जो भी टिकट है उसका जो भी मुनाफा है वो इंडिया को मिलेगा सर्विसेस इंडियंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका भी इंक्लूजन इंडिया के ही जी में होगा इसके साथ देखो इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर में अगर कोई भी ऑयल या फिर नेचुरल गैस की माइनिंग होती है तो वो माइनिंग का भी प्रोडक्शन इंडिया की ही जीडीपी में आएगा इसी के साथ एम्बेसीज रहती है हमारी हर एक कंट्री की दूसरी कंट्रीज में एम्बेसी रहती है तो इस उस एम्बेसी में भी अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड किए जैसे कि हमें वीजा चाहिए फॉरेन में जाके या फिर कुछ अलग सर्विसेज चाहिए तो उन सर्विसेज का जो हमारे एम्बेसी ने प्रोवाइड किए उसका इंक्लूजन हमारे जीडीपी में होगा सपोज इंडिया का मिलिट्री बेस किसी और कंट्री में है जैसे कि अमेरिका का था अफगानिस्तान में तो ऐसे सिचुएशन में वो मिलिट्री बेस जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगी वो भी फिर से हमारे ही जीडीपी में इंक्लूड होगी तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझा होगा हाँ और एक बात की यहाँ पे हम लोग ने बात की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सर्विसेज मतलब टीचर्स लॉयर्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसी के साथ बैंकिंग की सर्विसेज बैंक्स हमें सर्विस प्रोवाइड करती है देन कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है इंश्योरेंस कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये सारी सर्विसेज इवन सी लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये सारे सर्विसेज का इसमें इंक्लूजन होता है इतना ही नहीं कि अगर आपके घर में कोई काम वाली बाई है तो उसकी भी सर्विस जीडीपी में इंक्लूड होती है नव विल सी कि नेशनल इनकम की जो आइडेंटिटी है यानी कि जीडीपी की जो आइडेंटिटी है वो इक्वेशन फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो दो वे में एक्सप्रेस होगी एक तो ओपन इकोनॉमी के लिए और दूसरी क्लोज इकोनॉमी के लिए तो पहले देखते हैं ओपन इकोनॉमी क्या होती है जिस इकोनॉमी के फॉरिन कंट्रीज के साथ सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड बाकी अदर टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ओपन इकोनॉमी जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं और बाकी भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अदर ट्रांजेक्शन्स अदर कंट्रीज के साथ हम लोग करते हैं तो इसीलिए ओपन इकोनॉमी का जो जीडीपी होता है उसका इक्वेशन होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस इन ब्रैकेट एक्स माइनस एम यहाँ पे सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं आई मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देन जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेस क्योंकि गवर्नमेंट भी देखो कंट्री के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए बहुत बार गुड्स एंड सर्विसेस परचेज करता है तो उसका भी इंक्लूजन जी डी पी में होता है एंड देन एक्स माइनस एम जिसे हम लोग नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं मेन्शन एट हीयर यानी कि हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में जो भी डिफरेंस है वो एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है अगर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इक्वल है तो ये डिफरेंस ज़ीरो भी हो सकता है तो इसका इंक्लूजन होता है हमारे जी में ऑन द अदर हैंड क्लोज इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी इज़ द वन विच डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ द रिलेशनशिप विद द फॉरन कंट्रीज़ ना एक्सपोर्ट ना इम्पोर्ट ना किसी और तरह का कोई भी रिलेशन फॉरन कंट्री के साथ नहीं है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोज इकोनॉमी तो फॉर्मूला आएगा जी डी पी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी इसमें हम लोग ने एक्स माइनस एम इंक्लूड ही नहीं किया है क्योंकि अगर हम लोग घूम के फॉरन कंट्रीज के साथ रिलेशन है ही नहीं तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों भी नहीं होगा और यह आइडेंटिटी इतनी ही आएगी आई होप आपको ये कंसेप्ट समझी होगी नेक्स्ट देखते कंसेप्ट ऑफ जी एन पी ग्रॉस नेशनल इनकम जी या फिर उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जी एन पी ऐसे भी कहा जाता है दोनों भी वर्ड से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है तो मीनिंग सेम ही है डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे जी एन पी एंड जी डी पी में देखो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये मेन डिफरेंस है जी एंड जी में वेयर वेयर एवर दे आर लोकेटेड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब जी डी पी में हम लोग ने देखे थे कि डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि पोलिटिकल फ्रंटियर्स कंसिडर टू कैलकुलेट गुड्स एंड सर्विसेज टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे क्या है बाकी सब तो सेम है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ली जाती है बट जो प्रोड्यूस की है कंट्री के फैक्टर्स और प्रोडक्शन ने यानी कि अगर इंडियन लेबर्स यू एस ए में या फिर कैनेडा में काम कर रहे हैं तो वो भले वहाँ पे काम कर रहे हैं वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे तो उनका जो इनकम होगा उसका इंक्लूजन इंडिया के जे में होगा वो कैनेडा या फिर यूएसए के जे में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये लोग जो है वो इंडिया के सिटीजन्स हैं यानी कि इंडियन सिटीजनशिप जिस किसी भी पर्सन के पास है वो पर्सन पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में जाके काम करे वो अपने इनकम का पार्ट अपनी कंट्री में इंडिया में सेंड करने वाला है तो वो वहाँ पे जो भी प्रोड्यूस करेगा उसका जो भी इनकम होगा उसका इंक्लूजन इंडिया के जीएनपी में होगा और इसीलिए कहा गया है कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेर एवर दे आर लोकेटेड वो मे बी इंडिया में रहते हैं वो मे बी इंडिया के बाहर रहते हैं वो एक साल के पीरियड में या फिर कभी कभी एक क्वार्टर यानी कि तीन महीने के पीरियड में हाफ ईयर यानी कि सिक्स मंथ्स के पीरियड में जो भी अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं उसकी मनी वैल्यू इंडिया के जीएनपी में इंक्लूड होगी आई होप आपको ये समझा होगा अब देखते हैं इसका फॉर्मूला जीडीपी से क्या डिफरेंट है जी एन आई इज इक्वल टू जी डी पी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंसिडर किया है नेट फैक्टर इनकम मीन्स इसमें सिर्फ लेबर इंक्लूड नहीं है तो लेबर के साथ लैंड कैपिटल एंड एंट्रप्रनार ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड है ये सारे फैक्टर्स अगर इंडिया में काम कर रहे हैं इंडिया के बाहर है तो भी इनसे जो इनकम मिलेगा वो इंडिया के ही जे में आएगा जैसे कोई आंतरप्रनर है उसने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किए उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी रिटर्न हमें मिलेंगे वो इंडिया के जीएनपी में आएंगे कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में माइनिंग का काम कर रही है देखो कंपनी फॉरेन के बट माइनिंग इंडिया में हो रहा है तो माइनिंग एक्टिविटीज का जो इनकम है उसका इंक्लूजन इंडिया के जीएनपी में होगा और कंपनी का जो भी प्रॉफिट कंपनी अपनी होम कंट्री में सेंड करेगी वो इंडिया के जीएनपी से माइनस होगा तो देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू रिसिप्ट माइनस पेमेंट रिसिप्ट मीन्स वेन द इंडियन वर्कर्स और इंडियन फैक्टर्स आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया एंड दे सेंड पार्ट ऑफ देयर इनकम टू इंडिया तो वो इंडिया में रिसीव होगा तो हम लोग कहेंगे रिसिप्ट ऑन दी अदर हैंड अगर फॉरेन फैक्टर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फॉरेन लेबर से वो इंडिया में आके काम कर रहे हैं तो उनको जो भी प्रॉफिट मिलेगा उनको जो भी सैलरी मिलेगी वो अपने होम कंट्री में सेंड करेंगे यानी कि इंडिया से पैसा दूसरी कंट्री में जाएगा फॉरेन कंट्री में पेमेंट होगा तो ये पेमेंट जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है वो हम लोग माइनस करते हैं रिसिप से ना उसी वी हैव नो फॉर्मूला फॉर ओपन इकोनॉमी जी एन आई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी सेम एज जी प्लस इन ब्रैकेट एक्स माइनस एम यहाँ तक पूरा हम लोग ने जीडीपी में देखा था सेम है जो जीडीपी में है एडिशनल क्या है प्लस इन ब्रैकेट रेसिप माइनस पेमेंट नाउ अगर क्लोज इकोनॉमी है तो फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं रहेगी रिसिप्ट एंड पेमेंट भी नहीं रहेगा सो फॉर एनी क्लोज इकोनॉमी जी एन आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू जी डी पी विच इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है कभी 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 घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है बट जस्ट रिमेंबर अगर क्लोज इकोनॉमी है तो जी एन आई जी एन पी जी डी पी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी देखो क्लोज इकोनॉमी में तो जे एन आई एंड जी डी पी इक्वल है पर ओपन इकोनॉमी में ऐसा होगा ही नहीं कह सकते क्योंकि ओपन इकोनॉमी में जी एन आई एंड जी डी पी का डिफरेंस क्या होगा क्या ज़्यादा है क्या कम है ये हमें पता चलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से तो देखते हैं कैसे ओपन इकोनॉमी में जी डी पी एंड जे एन पी में क्या डिफरेंस होगा क्या ज़्यादा होगा जी डी पी या फिर जे एन पी ज़्यादा होगा ये इसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज हैं पहली पॉसिबिलिटी है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इज़ पॉजिटिव ये कब पॉसिबल है ज्यादा है यानी कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज से ज्यादा अमाउंट रिसीव करते हैं हमें उनको कम पेमेंट करना है अगर रिसिप्ट पेमेंट से ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में देखो जीडीपी तो उतना ही रहेगा पर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव यानी कि आर माइनस पी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जीडीपी इन दिस केस इज लेस देन जीएनआई जीएनआई या फिर जीएनपी कह सकते हैं ऑन द अदर एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज निगेटिव ये निगेटिव कब होगा जब रिसिप्ट हमारी क्या है कम है और पेमेंट ज़्यादा है यानी कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज से कम अमाउंट रिसीव करते हैं और उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निगेटिव रहेगा यानी कि इतना तो जीडीपी डी एज इट इज़ है और ये जो आर माइनस पी है नेट फैक्टर इनकम ये निगेटिव रहेगा तो ये वैल्यू जीडीपी से माइनस होगी और इन दिस केस हम लोग कह सकते हैं अवर जीडीपी विल बी ग्रेटर देन जी एन आई क्योंकि जी डी पी से नेट फैक्टर इनकम माइनस होके हमें जी एन आई मिलेगा देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो यानी कि जीरो कब आएगा जब रिसिप्स आर इक्वल्स टू पेमेंट्स जितना हम लोग रिसीव कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से फैक्टर uh, इनकम उतना ही हम लोग उनको पेमेंट भी कर रहे हैं दोनों भी इक्वल है सो इन दिस सिचुएशन वो जीडीपी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीएनआई। आई आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जीएनआई की जगह आपको एग्जाम में जीएनपी भी यूज किया जाएगा तो वो आपको ध्यान दे के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देखते हैं एनडीपी एन एन आई दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल इनकम स्टूडेंट्स प्रीवियसली हम लोग ने नेशनल इनकम के दो कंसेप्ट देखे हैं जी एंड जीएनआई इसमें से जीएनआई एन कंसेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी कंट्री का वेलफेयर शो करती है क्योंकि जीएनआई में हम लोग क्या देखते हैं कि कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या इनकम जनरेट हुआ है तो इसे वेलफेयर का पता चलता है कि कितना वेलफेयर हुआ है लोगों का और फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि अरे टीवी में न्यूज़पेपर में तो हमेशा जीडीपी की बात होती है वो क्यों होती है भला क्योंकि जीडीपी का जो मेजर है वो हमें बताता है कि अगर टोटल प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर बढ़ता है जैसे कि इंडिया के अंदर किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ता है यानी कि जी बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होगी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स अच्छे होंगे जिसका इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे हुआ है तो ये अगर हमें समझना है कि कौन सी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है तो ये समझने के लिए जीडीपी की कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट होती है एंड इसीलिए जब हम लोग नेशन वाइज कंपैरिजन करते हैं इंडिया विद द अदर कंट्रीज तो हम लोग जीडीपी डी कंसेप्ट का ज़्यादा यूज करते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जी एन आई ग्रॉस नेशनल इनकम ये दोनों भी कंसेप्ट ग्रॉस अमाउंट बताती है ग्रॉस यानी कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी अमाउंट बताती है बट बहुत बार इसमें से हमें डेप्रिसिएशन यानी कि कैपिटल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है तब हो जाके हमें मिलते दो कॉन्सेप्ट वो है नेट नेशनल इनकम जस्ट मिनट नेट नेशनल इनकम यानि कि एन एन आई एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी ये दोनों भी कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है तो ये दोनों भी कंसेप्ट कैलकुलेट करते समय कैपिटल डेप्रिसिएशन इसे माइनस किया जाता है अभी कैपिटल डेप्रिसिएशन क्या है जैसे कि मैं भी आपका लेक्चर ले रही हूँ बहुत दिनों से मतलब अभी सेवन मंथ्स होने आए चैनल शुरू करके तो ये सेवन मंथ में मैंने बोर्ड यूज़ किया है हर बार मैं बोर्ड यूज़ करती हूँ तो ये कहीं पे तो इसका एक वेयर एंड टीयर कॉस्ट होता है मतलब कुछ महीनों बाद शायद ये बोर्ड इतना खराब मतलब खराब हो सकता है ये टूट सकता है और मुझे इसकी जगह नया बोर्ड लेना पड़ेगा इसका मतलब कि ये कैपिटल वॉर्न आउट हो गया ये मेरे लिए कैपिटल है बोर्ड और ये वॉर्न आउट हो गया तो मुझे नया परचेस करना पड़ेगा शूटिंग के लिए मैं कैमरा यूज कर रही हूँ वो कैमरा भी यूज़ कर करके खराब हो सकता है उसको रिपेयरिंग का चार्जेस आ सकता है या फिर वो इतना खराब हो सकता है कि मुझे नया कैमरा ही लेना पड़े तो ये क्या हो गया कैपिटल डेप्रिसिएशन राइट तो मेरा कैपिटल वॉर्न आउट हो जाएगा वो डेप्रिशिएट हो जाएगा उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी तो वो रिप्लेस करके मुझे नया बोर्ड नया कैमरा परचेज करना पड़ेगा इन फ्यूचर पीरियड तो इसे हम लोग क्या कहते हैं वॉन आउट या फिर कैपिटल डेप्रिसिएशन और जब भी हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस करते हैं जैसे कि मुझे यूट्यूब से अगर कुछ भी इनकम मिलता है तो उस इनकम में से मुझे ये बोर्ड फिर से लेना पड़ा कैमरा फिर से लेना पड़ा तो वो अमाउंट माइनस करके जो बाकी रहेगा वो मेरा इनकम होगा सेम वे हमारे कंट्री के लिए भी पूरी कंट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग तरह की मशीनरीज वगैरह यूज़ होती है कैपिटल इक्विपमेंट यूज़ होते हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे उनको रिप्लेस करना पड़ेगा रिपेयर करना पड़ेगा इस सबका जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा यानी कि जो डिप्रिसिएशन चार्जेस है वो हम लोग माइनस करते हैं नेशनल इनकम के वो पर्टिकुलर कंसेप्ट से जैसे कि अगर हमें एन एन आई यानी कि नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हम लोग जी एन आई कि ग्रॉस नेशनल इनकम से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं सेम वे अगर एन डी पी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो जी डी पी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा नेक्स्ट हम लोग ये सारे कंसेप्ट यानी कि जी डी पी एन डी पी जी एन आई एन एन आई ये सारे कंसेप्ट मार्केट प्राइस पे एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या होगी वो देखते हैं नेक्स्ट है जी एन आई जी डी पी एन एन आई एन डी पी एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट इसमें अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे क्या है और मार्केट प्राइस क्या है वो समझता है तो ये चार और प्लस चार ऐसे आठ फॉर्मूलाज आपके इजीली हो जाएंगे मतलब जी एन आई जी डी पी एन एन आई एनडीपीएट मार्केट प्राइस ये चार देन जी एन आई जी डी पी एन एन आई एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट ये नेक्स्ट चार ऐसे आठ कंसेप्ट आपके हो जाएंगे तो पहले देखते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है फैक्टर कॉस्ट क्या है ये समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि ये बोर्ड है सपोज ये बोर्ड बनाने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है फाइव थाउजेंड रुपीज तो ये फाइव थाउजेंड रुपीज कॉस्ट इसका मतलब क्या है देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है मीन्स रेम्यूनोरेशन गिवन टू प्रोडक्शन। जैसे कि बोर्ड बनाने के लिए लैंड लेबर कैपिटल अंतरप्रनार का यूज हुआ है तो उनको जो भी रेम्यूनोरेशन दिया जाता है वो ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इस बोर्ड का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सपोज फाइव थाउजेंड रुपीज पर यहाँ पे जो फैक्टर कॉस्ट हम लोग कंसिडर करते हैं वो पूरी इकोनॉमी के लिए है पूरी इकोनॉमी में एक साल में क्रोर्स ऑफ टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है और हम लोग बोल सकते हैं क्रोर्स ऑफ बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है तो उन सब की कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर कॉस्ट वो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज जैसे कि इसका कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन है फाइव थाउजेंड तो उसमें टैक्स ऐड होगा इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी ऐड होगा क्योंकि अभी मेन इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में जीएसटी है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो वो ऐड होता है फैक्टर कॉस्ट में सपोज इसके ऊपर टैक्स लगा 500, सब आर्बिटरी फिगर्स हैं ओके और सपोज इसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी 200 की तो इसमें से सब्सिडी माइनस होके, इसकी फाइनल प्राइस डिसाइड होगी और वो होगी 5300 थाउजेंड मतलब मार्केट में जो भी कमोडिटी हम लोग परचेस करते हैं उसमें एक तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है प्लस उसमें सब्सिडी के अमाउंट माइनस की जाती है क्योंकि वो प्राइस कमोडिटी की प्राइस कम हो इसीलिए सब्सिडी दी जाती है जैसे कि गैस के लिए गवर्नमेंट पहले कंपनीज को सब्सिडी देती थी या फिर फर्टिलाइज़र की सब्सिडी भी कंपनीज़ को दी जाती थी तो इसीलिए जो फाइनल प्राइस है उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है तो हमें फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस से वो टैक्स कम करना है क्योंकि मार्केट प्राइस में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है तो वो हम लोग माइनस करेंगे और सब्सिडी जो कि सब्सिडी के अमाउंट मार्केट प्राइस में गवर्नमेंट ऑलरेडी माइनस करती है और इसीलिए फैक्टर कॉस्ट यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए सब्सिडीज़ हम लोग को ऐड करनी पड़ेगी देन नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस। जब भी मार्केट प्राइस किसी कमोडिटी की हमें मिलती है तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में टैक्स एड होता है इसीलिए फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उस कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए तो सब्सिडी के अमाउंट माइनस होके कमोडिटी मार्केट में जाती है और इसीलिए मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी अभी हमारे पास ये दो ही फार्मूलाज है इससे हम लोग टोटल आठ फार्मूलाज डिराइव करेंगे वो कैसे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल जी एन आई एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जी एन आई एट मार्केट प्राइज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज देन आएगा जी डी पी जी डी पी भी सेम वैसे आएगा जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जी डी पी एट मार्केट प्राइज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज मैं आपको ये बोर्ड पे लिख के देती हूँ अब देखते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के ये दो फॉर्मूलाज यूज करके हम लोग ये बाकी चार फॉर्मूलाज नेशनल इनकम के कैसे डिराइव करते हैं फर्स्ट है यहाँ पे जी एन आई एट फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज तो जी एन आई एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा जी एन आई एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ सेम वे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज नेक्स्ट भी सेम है एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एन डी पी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज देन नेक्स्ट एन एन आई देन नेट नैशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वस टू एन एन आई एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज नो लास्ट वन इज समेर डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एन एन आई एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये समझने के लिए आप लोग हमने जो सेकेंड फॉर्मूला देखा था जो सेकेंड नेशनल इनकम की कंसेप्ट देखी थी जी एन आई वो एक बार देख लो Uh, क्योंकि जी एन आई इज इक्वल टू जी डी पी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ये तो जी एन आई से डिराइव किया है जी एन आई माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एन एन आई और इसीलिए इसमें से हम लोग एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि रिसिप्ट माइनस पेमेंट एड करते हैं आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा नेक्स्ट uh, हम लोग मार्केट प्राइस यूज करके डेफिनेशंस देखते हैं Now we'll see, price. पहले देखते हैं, price में क्या आता है इसमें हम लोग प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इसी वजह से बाकी चार भी आएंगे जी डी पी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपीएट फैक्टर कॉस्ट Plus indirect taxes minus subsidies. Then NNI at market price is equals to NNI at factor cost plus indirect taxes minus subsidies. And the last NDP at market price is equals to NDP at factor cost plus indirect taxes minus subsidies. Next, dekhte, national income at constant and current prices. जी जीएनआई आई इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस उसे कहते हैं रियल जीएनआई एन कॉन्स्टेंट प्राइजेस मीन्स कोई तो एक साल प्रीवियस ईयर एज अ बेस ईयर लिया जाता है जो कि एक नॉर्मल ईयर हो और उस ईयर की प्राइजेस कंपेयर करके उस ईयर के प्राइज यूज करके हम लोग जीएनआई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अभी जो बेस ईयर होता है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए क्यों क्योंकि जैसे डिमोनेटाइजेशन का ईयर था हमारा 2016, या फिर जीएसटी हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया 2017 या फिर जो कोविड का पीरियड है 2020 21 ये सारे ईयर नॉर्मल ईयर नहीं है क्योंकि ये पीरियड में देखो जैसे कोविड है तो इकोनॉमी पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हुआ डिमोनेटाइजेशन का जीएसटी का इकोनॉमी पे एक निगेटिव इम्पैक्ट हुआ था तो ऐसे जो ईयर रहते वो नॉर्मल ईयर नहीं रहते तो उससे हम लोग कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते और इसीलिए कोई भी जो नॉर्मल ईयर है उस ईयर के प्राइस लेके हम लोग रियल जीएनआई कैलकुलेट करते हैं देन आता है जीएनआई एट करंट प्राइजेस मतलब अभी मार्केट में क्या प्राइस है हर साल का जीएनआई कैलकुलेट करने के लिए उसी साल की मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल प्रोडक्शन से अब देखते हैं कि ये जो नॉमिनल है इट डज नॉट शो द रियल चेंज इन द इकोनॉमीज नेशनल इनकम क्यों होता है ये देखो फॉर एग्जाम्पल जी एन आई कि ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है हमारा हंड्रेड रियल में बहुत ज्यादा होता है हम लोग समझने के लिए हंड्रेड ले रहे हैं हंड्रेड टोटल प्रोडक्शन है करंट ईयर की प्राइस लेवल है फाइव तो नॉमिनल जी एन आई कितना आएगा हंड्रेड इंटू फाइव इज इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड ये सिचुएशन है हमारी फर्स्ट ईयर की नाउ इन द सेकेंड ईयर देखो हमारा प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का उतना ही है जितना प्रीवियस ईयर में था हंड्रेड ही है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है बट एट द सेम टाइम प्राइस लेवल हैव नाउ इंक्रीज फ्रॉम फाइव टू सिक्स तो ये सिक्स से हम लोग हंड्रेड इंटू करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट नॉमिनल जी एन आई सिक्स हंड्रेड देखो एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं है पर हमारा जी एन आई इंक्रीज हुआ दिख रहा है जे इंक्रीज हुआ है ये एक्चुअल चेंज नहीं है ये चेंज सिर्फ प्रोडक्शन के प्राइस की वजह से है इसका मतलब जो नॉमिनल जे है वो इकोनॉमी का रियल पिक्चर शो नहीं करता है और इसीलिए हम लोग कांस्टेंट प्राइस लेके रियल पिक्चर इकोनॉमी का देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इसमें ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं रियल जे एन आई सपोज रियल जे एन आई के लिए हम लोग ने जो फर्स्ट ईयर है वो बेस ईयर लिया है ये जो फाइव है यही हम लोग बेस ईयर प्राइस कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट ईयर में देखो हंड्रेड इंटू फाइव रियल जे एन आई आएगा फाइव हंड्रेड नेक्स्ट ईयर में देखो सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन सेम है प्राइस भी हम लोग बेस ईयर की ही यूज करेंगे बेस ईयर की प्राइस है फाइव तो फाइव इंटू हंड्रेड अगेन कितना आएगा फाइव हंड्रेड मतलब यहाँ पे जी एन आई में इंक्रीज नहीं हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन सेम है तो रियल जे एन आई भी सेम है इसका मतलब रियल जे एन आई हमें इकोनॉमी का एक्चुअल पिक्चर शो करता है और इसीलिए जब भी एक कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे नॉमिनल जी डी पी की वैल्यू या फिर नॉमिनल जी एन आई की वैल्यू डिफ्लेट करने के लिए यानी कि कम करने के लिए प्राइस डिफ्लेटर यूज किया जाता है ये प्राइस डिफ्लेटर क्या है और इस फॉर्मूला भी हमारा फिर हो जाता है जी एन आई डिफ्लेटर विच इज इक्वल टू नॉमिनल जे एन आई डिवाइडेड बाई रियल जे एन आई इन टू हंड्रेड इस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग किसी और लेक्चर में जरूर देखेंगे और एक बात कि यहाँ पे जो जी एन आई डिफ्लेटर है या फिर जीएनआईट कॉन्स्टेंट प्राइज जी एन आई एट करंट प्राइस इसी वे से हम लोग जी डी पी एट कॉन्स्टेंट प्राइस जी डी पी एट करंट प्राइस देन एन डी पी एट कॉन्स्टेंट प्राइज एन डी पी एट करंट प्राइज एन एन पी एट कॉन्स्टेंट प्राइज एन एन पी एट करंट प्राइज ऐसे अलग अलग फार्मूला सेम वे से हम लोग डिराइव कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एट जी वी ए स्टूडेंट्स वी नो जब कॉटन से थ्रेड बनता है और थ्रेड से क्लोथ बनता है तो इस हर एक स्टेज में कुछ तो वैल्यू एड होती है उसमें और इसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड और जो नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट है नेशनल इनकम के वो भी है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ले रहे हैं टी शर्ट तो टी शर्ट का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या आएगा क्लोथ उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या आएगा थ्रेड तो ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसकी वैल्यू माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड अगर आप लोग बहुत सारे न्यूज़पेपर में या फिर बहुत बार ये जो एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड कंसेप्ट का यूज किया जाता है ये वैल्यू भी हम लोग बेसिक प्राइजेस पे एंड फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट कर सकते हैं पहले देखते हैं जी वी एट बेसिक प्राइजेस जिसका फॉर्मूला है सी ई दैट इज़ कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ क्योंकि जब थ्रेड से क्लोथ बनता है या फिर क्लोथ से टी शर्ट बनता है तो एम्प्लॉयज काम करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए हमें कॉम्पेंसेशन यानी कि उनको सैलरी वेजेस देना पड़ेगा तो कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ओ इस मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस या फिर एम ई यानी कि मिक्स इनकम मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स है उनका जो भी वो जो काम कर रहे का प्रोडक्शन का उसमें उनको जो एक्स्ट्रा का सरप्लस मिलेगा वो या फिर उनका जो मिक्स इनकम है जो उन्हें रेंट इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट डिविडेंड ऐसे अलग अलग फॉर्म में मिलेगा वो भी एड किया जाता है प्लस सी एफ सी दैट इज कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल मशीनरी का यूज़ होता है मशीनरी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन जाता है उसका कंजम्पशन होता है यूज़ होता है तो वो यूज़ वो मशीनरी को जो भी हम लोग रेमुनरेशन होगा उसका वो यहाँ पे ऐड होता है कैपिटल का प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस क्योंकि जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस हम लोग देखते हैं जैसे कि टी शर्ट वगैरह तो उसमें प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड होते हैं और अगर गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी दी है तो सब्सिडी की अमाउंट उससे माइनस होती है जैसे कि गैस हो या फिर फार्मर्स को फर्टिलाइजर सीड्स के लिए अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देता है या फिर आजकल एम एस एम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो ये सब्सिडी के अमाउंट उसमें से माइनस की जाती है और जो भी टैक्सेस है प्रोडक्शन टैक्सेस जैसे कि आज प्रीवियसली हमारे पास बहुत अलग अलग टैक्सेस थे प्रोडक्शन टैक्स वैट सेल्स टैक्स प्रोफेशनल टैक्स तो ऐसे जो अलग अलग टैक्स है आजकल तो जीएसटी इंपॉर्टेंट है तो ये टैक्स ऐड करके हम लोग जी वी एट बेसिक प्राइस फाइंड आउट करते हैं देन इसमें नेक्स्ट आता है कि हमें जीवीए फाइंड आउट करना है पर अब फैक्टर कॉस्ट में फाइंड आउट करना है तो क्या लेंगे हम लोग जी वी एट बेसिक प्राइजेस जो यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया है वो जी वी एट बेसिक प्राइजेस माइनस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज देखो ये ब्रैकेट में है अगर ब्रैकेट निकालते हैं तो प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस होगा सब्सिडीज प्लस होगी मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ये ब्रैकेट ऐड किया था जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट कंसीडर करते हैं तो हम लोग प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ये वाला पोर्शन अभी माइनस कर रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पे जी का और एक फार्मूला हमें मिलता है वो है समेशन जीवीए एट बेसिक प्राइजेस समीशन लिया है क्योंकि जीवीए एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए है या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए है जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो सकता है या फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर हो सकता है कोई भी एक सेक्टर का है पर इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स और बहुत सारे कमोडिटीज साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होती है और इसीलिए हम लोग सारे कमोडिटीज़ का जी एट बेसिक प्राइस उसके टोटल लेते हैं और टोटल हम लोग मैथमेटिकली समेशन इस साइंस से शो करते हैं और इसीलिए यहां पे लिया है समेषन जीवीए एट बेसिक प्राइजेस प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज सो हमें मिलेगा फिर से जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझी होगी अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर मीन्स विद इन अ ईयर कंट्री के जितने भी हाउस होल्ड से जितने भी इंडिविजुअल से उनको जो भी टोटल इनकम मिलता है अलग अलग वे से अलग अलग तरीके से वो सारे इनकम का इंक्लूजन होता है पर्सनल इनकम में अभी क्या क्या इंक्लूड होता है देखते पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम नेशनल इनकम मीन्स की जो फैक्टर कॉस्ट पर हम लोग नेशनल इनकम देखते हैं वो क्या है रेम्यूनरेशन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रनार जो कि इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड्स के पास होते हैं यानी कि जो नेशनल इनकम होता है वो अल्टीमेटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जाता है प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स ट्रांसफर पेमेंट्स देखो सिंपली गवर्नमेंट से मनी अमाउंट लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर होती है जो लोगों ने खुद अर्न नहीं किए बट उनको वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिल रही है जैसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट से या फिर ओल्ड एज पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करता है अलग अलग स्कीम्स के अंडर जैसे कि फार्मर्स को कुछ मनी अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है पर ईयर गवर्नमेंट के थ्रू अंडर द यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसेप्ट तो ये सारी जो अमाउंट है वो है ट्रांसफ़र पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट से लोगों के पास जाती है वो किसी भी काम का रेमोनरेशन नहीं है वो सिर्फ एक ट्रांसफ़र होती है तो ये लोगों ने अर्न नहीं किया है बट उनको मिल रहा है देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर कॉरपोरेट सेक्टर को कंपनीज को जो भी प्रॉफिट मिलता है उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कुछ पार्ट वो एज अ रिजर्व साइड में रखते फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये तो लोगों ने अर्न किया है लोगों ने कंपनी में काम किया है उसकी वजह से वो प्रॉफिट मिला है पर वो लोगों को एक्चुअली मिल नहीं रहा है वो प्रॉफिट कंपनी ने साइड में रखा है लोगों को नहीं मिला है और इसीलिए ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहाँ पे माइनस कर रहे हैं देन माइनस कॉरपोरेट इनकम टैक्सेस कॉरपोरेट को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ अमाउंट एज अ टैक्स गवर्नमेंट को जा रही है मतलब ये भी लोगों ने अर्न किया है बट दैट गोज टू द गवर्नमेंट एज अ टैक्सेस तो ये भी पर्सनल इनकम में नहीं आएगा वो माइनस किया देन माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे कि किसी पर्सन ने कुछ पॉलिसीज निकाली इंश्योरेंस पॉलिसीज इंश्योरेंस मतलब क्या सोशल सिक्योरिटी तो उसकी सैलरी जैसे ही आएगी तो सैलरी से उसके जो इंस्टॉलमेंट है इंश्योरेंस के वो कट हो जाएंगे यानी कि वो अमाउंट तो उसने अर्न किया है बट उसके हाथ में वो इमिजिएटली नहीं आ रही है वो उसके अकाउंट से डायरेक्टली कट होकर इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रही है और इसीलिए ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग नेशनल इनकम से माइनस करते हैं तब हमें जाके मिलता है पर्सनल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल नेक्स्ट देखते हैं डिस्पोजेबल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम द इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन एंड टू सेव इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम मीन्स हमें जो भी इनकम मिलता है वो तो हमारा पर्सनल इनकम होता है उसमें से कुछ अमाउंट एज अ टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं यह है डायरेक्ट टैक्स जो कि हमारा इनकम टैक्स होता है या फिर प्रोफेशनल टैक्स वो कट करके फिर जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास रहती है वही हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसमें से कुछ अमाउंट हम लोग सेव कर सकते हैं तो इसीलिए उस अमाउंट को कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम देन नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम मीन्स पर हेड इनकम कितना है तो पर कैपिटा इनकम का एक सिंपल फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन अगर आपको पूछा गया कि जीडीपी पर कैपिटा तो क्या आएगा जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन आपको पूछा गया जीएनआई पर कैपिटा देन आएगा जीएनआई डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन नेक्स्ट देखते हैं पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी इनकम देखो परचेसिंग पावर यानी कि परचेस करने की क्षमता कितनी है जैसे कि अगर डॉलर की परचेसिंग पावर हम लोग देखते हैं तो एक डॉलर में हम लोग यूएसए में कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर सकते हैं वो डॉलर की परचेसिंग पावर इंडिया में एक रुपये में हम लोग कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर सकते हैं मैग्जिम एक चॉकलेट तो वो एक रुपये की क्या है परचेसिंग पावर हंड्रेड रुपीज़ में हम लोग कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर सकते हैं वो है हंड्रेड रुपीज़ की परचेसिंग पावर तो देखो अलग अलग कंट्री में प्राइस लेवल अलग अलग है भले हम लोग कहते हैं कि वन डॉलर इज इक्वल्स टू सेवेंटी फोर रुपीज़ फिर भी ये जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट का एक्सचेंज रेट है राइट बट रियल uh, में अगर दोनों कंट्रीज़ के परचेसिंग पावर देखते हैं तो बहुत अलग अलग है तो यहाँ पे जिस लेवल पे दोनों कंट्रीज़ के करेंसी की परचेसिंग पावर इक्वल है वहाँ पे ये एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है उसे हम लोग कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट और यहाँ पे इन दिस कंसेप्ट जब हम लोग जी या फिर नेशनल इनकम के अलग अलग कंसेप्ट कंपेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज देन हम लोग पी 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 एक्सचेंज रेट यूज़ करते हैं देखो कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग पी 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 एक्सचेंज रेट देन पी 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 इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग द रिलेटिव परचेसिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसीज रिलेटिव कंपेयर करते हैं हम लोग इंडिया में एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं वो परचेस करने के लिए इंडिया में कितने रुपए लगते हैं सपोज़ बास्केट ऑफ गुड्स के लिए इंडिया में हमें चाहिए हंड्रेड रुपीज़ वही सेम बास्केट ऑफ गुड्स अगर हम लोग अमेरिका में परचेज करने जाते हैं देन इन यू एस ए वी रिक्वायर फॉर द सेम गुड्स टू डॉलर्स क्योंकि दोनों भी कंट्रीज़ में प्राइस लेवल अलग अलग है तो अमेरिका में हमें लगते हैं टू डॉलर्स तो इससे अगर हम लोग परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंजेड फाइंड आउट करते हैं वो आएगा वन डॉलर इज इक्वस टू फिफ्टी रुपीज़ तो ये कंपैरिजन के लिए ज़्यादा इजियर होगा क्योंकि जीडीपी में और नेशनल इनकम में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही कंसीडर करते हैं और इसीलिए यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी का यूज़ किया जाता है और जनरली डॉलर का यूज़ किया जाता है क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो सारी कंट्रीज कोई भी फिनोमिना मेजर करने के लिए यूज करती है तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव यानी कि कंपैरिजन करके परचेसिंग पावर देखते हैं और ये परचेसिंग पावर मतलब यहाँ पे जीडीपी या फिर जी एन आई दोनों कंट्रीज का अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लोग ये वाला एक्सचेंज रेट जो पीपीपी एक्सचेंज रेट है वो यूज करेंगे ये एक आर्बिट्ररी एग्जाम्पल है रियलिटी में पीपीपी एक्सचेंज रेट अलग है देन सेम वे अगर हम लोग को जी डी पी फाइंड आउट करना है बाई यूजिंग अ पी 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 एक्सचेंज रेट इट मीन्स जी डी पी कन्वर्टेड टू इंटरनेशनल डॉलर यूज इन रेट्स मतलब इंडिया का जो टोटल जी डी पी है इंडिया के जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को हम लोग प्राइस से गुड्स की मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे हम लोग ये पी 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 का एक्सचेंज रेट यूज़ करके डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर कंट्रीज के बीच में कंपेरिजन करेंगे ये सेम एप्लीकेबल रहेगा जी एन आई के लिए भी क्योंकि जी एन आई परचेसिंग पावर पैरिटी इज इक्वल्स टू जी एन आई कन्वर्टेड टू इंटरनेशनल डॉलर्स यूजिंग पी 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 रेट्स मतलब हमारे जो नेशनल्स है यानी कि इंडिया के जो भी सिटीजन्स है उन्होंने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसका टोटल वैल्यू इनटू टू उसकी प्राइस जो वैल्यू हमें फाइनल आएगी जीएनआई की वो हम लोग क्या करेंगे पी पी एक्सचेंज रेट यूज करके डॉलर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल कंपेयर विद द अदर कंट्रीज आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज राइट अस इनटू द कमेंट सेक्शन आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपने इकोसो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू इकोसो साथ ही हमारे फेसबुक एंड इंस्टा की लिंक आपको दी हुई है तो हमें फेसबुक एंड इंस्टा पे भी आप फॉलो कीजिए थैंक यू एंड टेक केयर